गाइस, ढाई दिन के झोपड़े में जरूर आए। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं ढाई दिन का झोपड़ा जो राजस्थान की हरदे अजमेर के अंदर स्थित है। बहुत ही शानदार जो नज़ारा ये मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये है पूरा ढाई दिन का झोपड़ा। जी गाइस, कैसे आपने सोच रहे हो कैसे ढाई दिन में बना होगा पूरा बन के और बन के तैयार हुआ, उसके साथ ही इतने साथ लोग यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं। बहुत शानदार नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दी, शेयर कर दी। अभी चलते हैं, इसको पूरा दिखाएंगे। पहला तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये जो है ढाई दिन का झोपड़ा, ये मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको निर्माण करवाया था। ये इसको मस्जिद भी बोला जाता है। कई लोगों का कहना है कि ढाई दिन में ये बनी है इसलिए इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि शायद ढाई दिन के यहाँ की नमाज होती है इसलिए यहाँ पर इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा है। और इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं, कई राज, और क्या ये वाकई में आपको लगता है कि ढाई दिन में बना होगा? तो नहीं गाइस, ये ढाई दिन में नहीं बना है। इसके क्या है कि यहाँ पहले एक संस्कृत विद्यालय
हुआ करता था, संस्कार विद्यालय को तोड़ कर यहाँ पर इसका पूरा निर्माण किया गया है। इसका जो निर्माण है बिल्कुल आधा ही रोका गया है। आपको मैं दिखाऊंगा कई जगह जो है ये आधा ही निर्माण होकर उसको काम बंद कर दिया गया है। बाकी जो इसमें वाकई में बहुत शानदार नज़ारे से इसको जो बनाया गया है, आप देखिए ये अजमेर के अंदर एक मात्र ऐसी जगह, इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर दरगाह के पास में ही है, यहाँ पर आराम आसानी से नमाज अदा की जा सकती है। तो चलिए मैं आपको इसके पास से इसकी थोड़ी सी नक्काशी दिखाता हूँ, कितनी बारीकी से यहाँ पे नक्काशी हुई है। और फिलहाल अभी क्या उर्स का थोड़ा माहौल है तो इसलिए काफ़ी यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। ये और जो ढाई दिन का झोपड़ा है इसके दर्शन करना है, मतलब शानदार नज़ारा है, शानदार। तो चलेगा, चलिए जा रहा हूँ। यह खंबे, कई लोगों का ये मानना है कि जो खंबे है वो कोई आज तक इसको प्रॉपर गिन नहीं पाया, क्योंकि गिनने के बाद इन खंबों को लोग भूल जाते हैं। तो ये वो खंबे मैं आपको एक बार पास से भी दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर गाइस जो आप ये खंबे देख पा रहे हैं, ये जो खंबों पे पूरा ये गुंबद टिका हुआ है, ये जो खंबे है ये पूरा 32 खंबे हैं। बहुत शानदार तरीके से गलियारे बने हुए हैं और इसी व्यवस्था करी हुई है यहाँ पे, ताकि सभी लोग आराम से शांति से बैठ सकते हैं और यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। कई लोग यहाँ बाहरी पर्यटक आए हुए हैं, अभी आज संडे की होने की वजह से काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे दरगाह ज़ियारत करने वाले जो लोग आए हुए थे, तो वही लोग यहाँ पे ढाई दिन का झोपड़ा भी देखने आए हुए हैं। दरगाह और ढाई दिन का झोपड़े में मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित है ये ढाई दिन का झोपड़ा। जो लोग यहाँ दरगाह आते हैं वही लोग यहाँ पे ढाई दिन का झोपड़े में भी आके अपनी इच्छा को पूरी करते हैं।
आपको देने जा रहा हूँ। ये जो आपको इमली का जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये इमली का पेड़ है, ये काफ़ी मतलब सालों से ये जो पेड़ है यहाँ पर स्थित है, बहुत शानदार। आज तक ये पेड़ कभी सूखा नहीं है, चाहे गर्मी सर्दी बारिश हो कभी हो, और ये पूरे इसके अंदर ढाई दिन के झोपड़े के अंदर ये दो पेड़ आपको दिखेंगे, एक दो और एक ये तीन। वो दो तो जो इमली के हो गए और एक ये शायद पीपल का पेड़ है, पीपल के पतीले में पीला पीला पपीता। और अगर आप यहाँ आते हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर आप तारागढ़ में यहाँ आते हैं तो ढाई दिन का झोपड़ा बिल्कुल ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं यह तारागढ़ ये ऊपर तारागढ़ है। तो मैं आपसे ऐसे करूँगा, एक बार कभी भी आप आओ तो एक बार तारागढ़ भी ज़रूर जाएँ, तारागढ़ हो जाएगा आपका, ढाई दिन का झोपड़ा हो जाएगा और दरगाह हो जाएगी। ये सारी जानकारी अभी रोहन आपको देगा थोड़ी देर में। कि देवी और सज्जनों, अगर आप दरगाह और ढाई दिन के झोपड़े आना चाहते हो और आपके भी मन में है कि मुझे यहाँ जाना है, घूमना है, देखना है, तो सबसे पहले आपको क्या है, अपने घर से निकलना है। अगर आप ट्रेन में आ रहे हो, बस में आ रहे हो, तो वहाँ से आपको अजमेर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन आप आ सकते हो। वहाँ से आपको फंवारा चौराया किसी से भी आप ले सकते हो, नाम टेम्पो वाले से या बस ड्राइवर से किसी से पूछ सकते हो कि मुझे फंवारा चौराहे उतार दीजिए। वहाँ से आपको पैदल रूट पकड़ना है, फिर वहाँ जो पैदल रूट अंदर की ओर आता है वो सीधा फंवारा चौराहे से जो अंदर की ओर रूट आता है वो सीधा दरगाह की ओर आता है, और वहीं से दरगाह से राइट हैंड की तरफ जो रूट आ रहा है वो आता है सीधा ढाई दिन का झोपड़ा। और इसी के पास आप जब दरगाह की तरफ आएंगे तो वहीं पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको तारागढ़ की शेयर करा देंगे। तो गाइज, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज, हम दोनों सुबह से रोहन जेलिया और राजेंद्र प्रसाद बाकुले सुबह से निकले हैं वीडियो बनाने के लिए, और फाइनली आज ही हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, ढाई दिन का झोपड़ा। इस ढाई दिन के झोपड़े के पीछे आपको देखा जाए तो रोहन करीब ढाई दिन तक ये रोहन सोया नहीं है, काफ़ी तैयारी कर रहा था, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे। मैंने वास्तव में मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा भी नहीं ढाई दिन का झोपड़ा। धन्यवाद आपको बहुत कि अच्छा तो देखा। फाइनली आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ढाई दिन का झोपड़ा पूरा आपको वीडियो दिखाएं बहुत शानदार तरीके से। उसमें जो महत्वपूर्ण जो है, अगर ये वीडियो मैं अकेला भी कई बार बना सकता था, लेकिन मुझे चाहिए था रोहन जेलिया, इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। आज फाइनली हमारी वीडियो बनी है। वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।